गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज राष्ट्र निर्माण के मार्ग में जो आर्थिक अपराध हैं, दो प्रकार के हैं जो बाधक हैं, समाज और राष्ट्र दोनों को खोखला और विनाश कर रहे हैं और पैर पसारे बुरी तरह से बैठे हैं। भ्रष्टाचार पर सुनते बहुत सालों के, जब से हम बच्चे तब सुनते हैं भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। आज मैं पहले कहूँगा कि भ्रष्टाचार पर तभी चर्चा हुई ही नहीं, जानबूझकर शोर मचाया गया, नेताओं को अपने भाषण को सुंदर बनाने के लिए विशेष अलंकरण, और सिर्फ फिल्मी दुनिया ने चर्चा की, पुलिस वर्दी में ये दिखा दिया कि मैं नहीं खाता ईमानदार एक्टर को, एक ईमानदार पुलिस अधिकारी हीरो में छवि पेश करना, गुंडुष्ट कराना, इस पर की अभिनय इस पर अभिनय करते रहे फिल्म। अब बात जो मुख्य है वो ये है कि भ्रष्टाचार पर चर्चा क्यों नहीं की, कि मैं वो कर रहा हूँ। यदि कुछ सरकारी अधिकारी या कर्मचारी किसी नागरिक कार्य को रोककर लंबित रखने का डर दिखाकर कि मैं इतने टाइम तक नहीं करूँगा, यदि आपने मुझे भेंट नहीं दी, वो एक भेंट गुंडागर्दी की भेंट है, उसमें सरकार से संरक्षण कई बार होता भी नहीं होता, दोनों तरह की इस तरह के अधिकारी कर्मचारी होते हैं, कुछ से स्वयंभू बदमाश भी होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, उनके वरिष्ठ अधिकार राजनेताओं को समर्थन जरूरी नहीं, उनको मनमाने ढंग से बैंक में अगर कोई सही कोई बच्चा शिक्षा लोन भी लेने आए तो उसकी फाइल को अटकाना, कागजों का बहाना लेकर, ये कागजी गुंडागर्दी बहुत बड़ी संख्या में भारत में है, काम को लटकाना और दलालों के मार्फत उसको निपटाना, ये चल रहा है। जो लोग टकराते हैं उनके समय शिकारी नहीं होते, वो साहस भी दिखाने वालों की बहुत बड़ी भीड़ है कि आपको मैं पेमेंट डिले कर दूंगा, कह रहे हैं कर देना, मैं दम रखता हूँ, और उनके बचाव के लिए कोई नहीं खड़ा है, परेशान है वो, क्योंकि कागजों सर लेखन किया जाए। मेरा मतलब यही है कि अगर किसी उच्च अधिकारी से शिकायत की जाती है तो वो कहते भाई वो कागज कम बता रहे हो, कागज पूरे करो, ये भी निश्चित रूप से बातें बार बार आ रही हैं, हम देखी हैं, उच्च अधिकारी ने एक्सेप्ट किया उस बात में, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, नहीं किया उस गुंडागर्दी के खिलाफ, तो वो कहते हैं सर इसके पास वो नहीं है। 4,000 तक का कैश लोन किसी नागरिक के आधार कार्ड पर दे देना, अन्य कागजातों की जरूरत ही नहीं है, ऐसे बहुत से लोन जो सरल बना सकते हैं, नागरिक कहीं जा नहीं रहा, पहचान है और उस पर उस चीज की जिम्मेदारी ठहराई जा सकती है, तो नागरिकों के साथ गुंडागर्दी बंद हो, सरकारें पहल करें कार्यों को सरल करने का, अधिकारियों को जवाबदेही दें कि वो इतनी राशि के लोन बांटें, लोगों के मूल निवास प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस की बात मैं करूँगा, इसके सर लेकिन बहुत से आरटीओ ऑफिस बड़े ये रहे हैं चर्चा में, परिवहन विभाग, एक लोडिंग का मामला भी बार बार गुंडागर्दी का शिकार रहा है, यदि इंस्पेक्टर साहब कई दायरे में आए हैं काफ़ी थानों में कि कहते रहे हैं कि यदि ओवरलोड का अगर नियम बनाया गया, मैंने पहले बताया था, तो उसको ओवरलोड को आगे न भेजा जाए और कार्यों को समय पर करना सुनिश्चित किया जाए। एक आजकल सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों को डेपुटेशन के नाम पर भी काफ़ी लूटा जाता है, जो ज़रूरतमंद महिला और विकलांगों तक को सहारा नहीं दिया जाता, नज़दीक के स्थान पर उपलब्ध स्टेशन होने के बावजूद उनसे दूर दराज सेवाएँ ली जाती हैं और कहा जाता है राज्य और जनहित में ऐसा करवाया जा रहा है, जबकि ऐसा वास्तव में होता नहीं है। तो मैं सरकारों से मांग करता हूँ, सभी राज्य और केंद्र सरकार से, कि विकलांगों महिलाओं को तो इस मामले में तवज्जो दें,
निकटतम स्थान पर स्टेशन देना सुनिश्चित करें। राज्य का प्रयास होना चाहिए। ये गुंडागर्दी समाप्त हो, हमारा ये नारा है। बहुत जल्दी हो और बहादुर अधिकारी और कर्मचारी से मैं कहूँगा वो कार्मिक वर्ग की छवि को उज्ज्वल बनाएं और ये दिखाएं। ऐसी बात नहीं, मैंने पहले भी कहा था कि इनकी संख्या कम है, बदबू ज़्यादा आ रही है, ये और कुछ नहीं। ये 10% लोग 90% लोगों की मेहनत तो पानी फेर रहे हैं। पूछते लोग अधिकार कर्मचारियों को सम्मान देते कि बाबूजी के नाम से पर इन्होंने शक पैदा किया है और आलोचनाओं का छेद छोड़ दिया। किसे मास्टर डॉक्टर, पटवारी, थानेदार की अनावश्यक चर्चा, उनके विरुद्ध इस तरह की गद्दार कर्मचारी अधिकारियों ने शुरू कर दी कि छापा मारा। कोटा में तैनात राजस्व सेवा का अधिकारी 1 करोड़ के साथ पकड़ा गया। बाद में पता लगा भैया 1 करोड़ की गलती, नॉर्को टेस्ट मैंने पहले कहा था बढ़ाया जाए, गुंडागर्दी खत्म हो जाएगी। कुछ CCTV कैमरे सारे बने हैं, लोगों को स्टर पैदा करने का अगर काम किया तो मैं CCTV कैमरे की टेक्नोलॉजी को इधर के प्रति आभार व्यक्त करूँगा। कम से कम डर तो पैदा किया है। कैमरे में कैद होना, आवाज़ और चेहरे, निश्चित रूप से उन लोगों में डर पैदा किया है और गुंडागर्दी पर अंकुश लगा है। इनको और बढ़ाया जाए और कार्य को सरल बनाया जाए, मैं ये कहूँगा। रिसर्च जो करने वाले बच्चे हैं, मैं उन बच्चों को आज प्रोत्साहित करूँगा। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की UGC यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन से कहूँगा कि भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, ये भ्रष्टाचार नहीं, भ्रष्टाचार तो भी बताऊँगा, भ्रष्टाचार कहाँ से शुरू होता है। इसमें राज्य का धन कहीं नहीं लुट रहा है, आम जनता इसको मतलब लुटता वो है जिस व्यक्ति को परेशान किया जाता है, जिसका काम पड़ता है और उससे गुंडागर्दी डंडा दिखाकर, यानी काम का भय दिखाकर, और वो लूटता है उसे। ये गुंडागर्दी बंद हो और कामों का सरलीकरण हो, और एक भी इस टाइप का गुंडागर मिले कहीं भी तो सिर्फ उस चर्चा में नहीं, उस गुंडे की सजा की कोई लिमिट नहीं, जिससे ताकि वो लोगों के हौसले पस्त हो और नागरिकों के हौसले ऊपर हो, क्योंकि इस प्रकार गुंडागर्दी का कोई स्थान लोकतंत्र में नहीं है। तो जल्दी से जल्दी इसको समाप्त किया जाए। धन्यवाद।